बता रहा हूँ अवस्थाओं को कैसे याद रखा जाता है और एक बता रहा हूँ सिद्धांत को कैसे पढ़ा जाता है। क्लियर? इससे आपका बेस बन जाएगा कि वास्तव में हमें कैसे सिद्धांत स्टडी करने हैं। बात समझ ना। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ऐसे जनरल। मैंने कहा जीन, बोलो प्याजे, आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपसे मेरे को संज्ञानात्मक, आपसे मैं करूं आप जानते हो, बोलो आपसे मैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। क्लियर? आई थिंक आपको पता है जब भी संज्ञानात्मक विकास आता है तो तुरंत कौन आ जाता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जीन प्याजे आ जाता है। बोलो बात समझ में। जीन प्याजे का पूरा संज्ञानात्मक सिद्धांत हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो मैं केवल ये बता रहा हूँ कि जैसे जीन प्याजे की संज्ञानात्मक अविकास की अवस्था है, बचपन से पढ़ा आपने इंद्रिय जनित अवस्था, बोलो संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, उनका एज ग्रुप, उन अवस्थाओं में क्या बताया। क्लियर? ये सब किताबों में लिखा होता है। तो हमें कैसे ध्यान रखेंगे, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मैंने कहा जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में एक चीज बता रहा हूं आपको ध्यान रखना है, आईपीएस ऑफिसर। क्या ध्यान रखना है? आईपीएस ऑफिसर। पहले आपको 10 मिनट तक ध्यान देना है। मैंने क्या ट्रिक बताई? आईपीएस ऑफिसर। क्लियर? तो मैंने कहा आई से पहला मेरी अवस्था होती है इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। ठीक है, अगर अवस्थाओं का ऑर्डर पता चल जाएगा तो हमारा एज ग्रुप टिक करना, लक्षण टिक करना सब आसान हो जाएगा। क्लियर? फिर मैंने कहा पीस है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बोलो बात समझ में आए? ओके। फिर मैंने कहा एस है संक्रियात्मक अवस्था, एस से क्या है बोलो? संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और मैंने कहा आपका ओस है औपचारिक अवस्था, औपचारिक आपसे संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक आपसे मैं कौन संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूं हमारा मेन काम तो ये पहले हो गया कि चार अवस्थाएं कौन सी दी और उनका ऑर्डर क्या है। बोलो बात समझ में। अब हमारा काम और आसान हो जाएगा कि हमें क्या पता होना चाहिए, एज ग्रुप। क्लियर? तो मैंने कहा ये वाली होती है 0 से 2 वर्ष, आपसे मैं कह रहा हूं ये होती है 2 से 7 वर्ष, ये हो जाएगी 7 से 12 वर्ष और ये हो जाएगी 12 से 12 के बाद। बोलो बात समझ में। अब देखो, मैंने आपको कहा एग्जाम में पूछा जाए कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में बोलो 7 से 12 वर्ष की कौन सी अवस्था बताई है। क्लियर? ऐसे आएगा, या आपको पूछा जाएगा संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है, आपको अपनी ट्रिक काम आएगी। कैसे काम आएगी आपको पता, आई पी एस ऑफिसर। तो आपको पता पहली वाली जो है वो आपका 0 से 2 है, दूसरी वाली जो है वो 2 से 7 है, तीसरी 7 से 12 है और चौथी 12 से 8 है। अब आपको पूछा 7 से 12 वाली, तुरंत आप मंडा लगाओगे यार आई पी एस एस मतलब संक्रियात्मक अवस्था टिक कर देंगे। बोलो बात समझ में। इसका मतलब 8 क्वेश्चन तो हमें तुरंत तैयार हो गए, अवस्था का पूछकर एज ग्रुप पूछे, एज ग्रुप पूछ करके अवस्था पूछे। बोलो बात समझ। आपको रटने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव है। बोलो बात समझ में। ओके, अब है आप समय को लक्षण। ठीक है, तो मैंने कहा किसमें क्या बताया। अच्छा, अगर आपको ये पता अवस्था कौन सी फिर कौन सी, तो लक्षण भी पहचान जाओगे। क्लियर? जैसे मैं आपको पहले तो बता रहा हूं क्या कि इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया, फिर आपको अगर उनमें से कोई पूछे तो कैसे टिक करेंगे। क्लियर? जैसे मैंने कहा आपका जीन प्याजे कहता है कि इंद्रिय जनित अवस्था जो होती है उसमें बालक बच्चा अपनी परछाई से खेलता है। बोलो बात समझ में। अपनी परछाई से खेलता है, आपसे मैंने कहा अपनी, मैंने कहा परछाई, आपसे मैं कह रहा हूं से खेलता है। बोलो बात समझ में। किससे खेलता है बोलो? अपनी परछाई से। छोटा बेटा होगा आपसे मैं कहूं, उसको लगेगा ये मेरे पास और कौन है, उसके चक्कर में गिर जाएगा। अरे बोलो, समझे समझे बोलो। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं बोलो इंद्रिय जनित अवस्था, ये इसी को पेशी अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? पेशी अवस्था। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं इस अपनी परछाई से
खेलता है। बोलो बात समझ में। और क्या बोलता है जीन प्याजे? जीन प्याजे कहता इस अवस्था में बालक बच्चा अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराता है और अपरिचितों को देखकर भय अनुभव करता है। और रियल में ऐसा ही होता है। बच्चा है 2 साल का, आपके घर पे अगर जो रोज आते जाते हैं वो आएंगे तो तुरंत मुस्कुराएगा और वो कहेंगे तो गोदी में भी चला जाएगा। और अगर कोई अननोन पर्सन आ गया तो पर्दे के पीछे छुपेगा, दूसरे कमरे में चला जाएगा, या मम्मी जबरदस्ती ले आएगी तो साड़ी के पीछे छुप जाएगा। तो बात समझ में आए? तो इसका मतलब ये जीन प्याजे ने जो बातें कही है वो व्यवहारिक है। तो इसका मतलब हुआ इसमें क्या होगा बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बच्चा जो है, बालक जो है वो अपने, आपसे मैंने कहा परिचितों, ठीक है, परिचितों को देखकर, आपसे मेरे को देख कर क्या होता है, मुस्कुराता है, ठीक है, मुस्कुराता है और अपरिचित, अपरिचित से भय अनुभव करता है। बोलो भय अनुभव करता है, ठीक है। मतलब कोई भी अननोन पर्सन आएगा तो उससे वो डरेगा, भले आप कितना भी कहोगे आप समझो कि आजा इसके पास, वो नहीं आएगा, जबरदस्ती लाओगे तो भी छुपेगा। बात समझ में? तो ये वाली कौन सी? इंद्रिय जनित अवस्था। फिर आ जाते पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आपका काम इन चीजों से क्लियर होगा, आपको एज ग्रुप माइंड में रखना है। बोलो बात समझ में? इसमें क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें मैं आपसे कह रहा हूं बालक जो है वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। बोलो बात, अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। बोलो, इसमें तो वो बात कहेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है। अरे क्या आज्ञा होती है, क्या पालन होता है? बोलो बात समझ। 1-1.5 साल का बच्चा है तो वो तो जानता ही नहीं है। बोलो बात समझ में। इसमें 2 से 7 वर्ष में क्या होगा? मनोविज्ञान लिखा गया तब की बात कर रहा हूं मैं, आज के बच्चों का सोच के करोगे तो सब इधर से उधर हो जाएगा। बोलो बात समझ। आपके हमेशा माइंड में क्या होना चाहिए? मनोविज्ञान जब लिखा गया था जीन प्याजे के समय में आपका क्या एनवायरमेंट था वो हमेशा माइंड में रखना है। इसमें मैंने क्या कहा बोलो? इसमें बालक अपनी, आपसे मैं कह रहा हूं माता पिता, बोलो माता पिता की, मैंने कहा आज्ञा का पालन करता है। बोलो पालन करता है। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। फिर है संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को बोलते मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी को क्या बोलते? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। क्लियर? इसमें क्या होता है? आप समय को बालक जो है वो 7 से 12 साल की उम्र है। इसमें वो आपसे मैं कह रहा हूं मित्रों पर ज्यादा भरोसा करता है। बोलो बात समझ में। इसमें तो माता पिता की आज्ञा पालन करता है, इसमें उसकी थोड़ी थोड़ी घनिष्ठता किससे होने लगती है? मित्रों से होने लगती है। बात समझ में आए? बोलो। तो इसमें मैंने कहा कि बालक जो है वो आपसे मेरे को मित्र है या आपका अध्यापक है, उसकी कोई टीचर है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं से का, आपसे मैं कह रहा हूं क्या? बोलो बोलो का, आपसे मैं कह रहा हूं का ज्यादा कहना मानता है, ज्यादा कहना मानता है। बोलो बात समझ में। अगर बच्चा जो है 7 से 12 साल की उम्र में है तो आपसे मैं करूं, आप अगर उसको बोलो कि भाई तेरी टीचर ने ये कहा तो मान लेगा। बोलो बात समझ में। बोलो 7 से 12 उम्र में, बोलो उसका कोई फ्रेंड कहेगा तो बात उसको सही लगेगी। क्लियर? और इसमें वो किस में रहता है? बोलो मूर्त चिंतन में रहता है, जो उसको दिखता है वो उसको मानता है। बोलो बात समझ। संक्रियात्मक अवस्था ये मूर्त, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं इसमें मैंने कहा बालक, ठीक है, बालक बोलो मूर्त चिंतन करता है, मूर्त चिंतन आपसे मैं कहूं करता है, ठीक है, इसमें आपसे मैं कहूं क्या करता है? मूर्त चिंतन करता है। क्लियर? इसमें तो क्या रहेगा? अतार्किक चिंतन में रहेगा। किस में रहेगा? बोलो अतार्किक चिंतन में रहेगा। क्लियर? अब आ जाते हैं आपका औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था 12 के बाद। इसमें क्या होता है बोलो? एक तो आपसे मेरे को क्या करता है बोलो? तार्किक चिंतन करता है, ओके, उसके बाद आपसे मेरे को अमूर्त चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन करता है, जो चीजें नहीं दिखती वही सोचता है। बोलो दिव्या स्वप्न करने लगता है, डे ड्रीम्स करने लगता है, कल्पनाएं करने लगता है। बोलो आपसे मैं कौन? समस्यात्मक चिंतन करता है, समस्यात्मक आपसे मैं कौन चिंतन। ये सारी बातें किस में आएगी बोलो? औपचारिक अवस्था में आएगी। क्लियर? तो आपसे मैं कौन, ये मैंने एक जीन प्याजे की अवस्थाएं बताई।
अब सपोर्टेड एग्जाम में आ जाता है कि वो जीन प्याजे की निम्न में से कौन सी अवस्था, चारों ऑप्शन होंगे ये बोलो, चाहे रेंडमली हो, पहले कोई सा भी नाम हो, बी सी डी, ठीक है, कौन सी अवस्था में बालक अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करता, ये सपोर्टेड आ गया ऑप्शन है ये चार, आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए यार ऐसा तो बालक जो है वो बोलो पांच, दो से पांच के बीच ही, दो से छह सात के बीच ही करता है, तो आप तुरंत सोच लो कि आईपीएस में पी मतलब पूर्व संक्रियात्मक टिक कर दोगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक छोटे से लॉजिक से हमारे चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बोलो बात समझ। अगर मैं ये हटा दूं, अगर मैं ये लॉजिक नहीं बताऊं तो ये किताबों में लिखा होता, हम भूल जाते हैं वहां पर, बोलो बात समझ ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी अवस्थाएं होती, लेकिन थोड़ा सा अगर हमारे माइंड में हिंट रहेगा तो क्या होगा कि हमें वहां कनेक्ट कर पाएंगे इन चार ऑप्शन में मुझे क्या टिक करना है, बोलो बात समझ में। तो आई थिंक मैंने ये जो कुछ आपको बताया समझ में, ऐसी जहां पर भी पूरी साइकोलॉजी में अवस्थाएं आएगी वहां मैं आपको उनको याद करने की ट्रिक जरूर बताऊंगा, तो उससे क्या होगा हमें चीजें याद रहेगी, क्लियर, इसको नोट कर लो। अमूर्त की तो आपसे मैं कह रहा हूं ये हो जाएगी ना सब, ठीक है, अमूर्त बोलो, तार्किक बोलो, समस्या बोलो, ठीक है, ये मैंने वही वर्ड लिखे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बात सुनो ना, और यही चीज आ जाती है अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, ऑप्शन में शेषवा बाल्या किशोरा तो किशोरा हो जाएगा, मतलब अगर ये अवस्था नहीं हो और इसकी जगह क्या हो बोलो, शेष बाल्या तो क्या हो जाएगा, किशोरा हो जाएगा, ठीक।
बात समझ में आई बोलो? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कैसे अवस्थाओं, उनको एज ग्रुप और उनको कैसे दिमाग में रख सकते हैं। अब आपसे मैंने कहा कि मनोविज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, तो आपको एक सिद्धांत मैं आज बता रहा हूं और उसका तरीका बता रहा हूं कि सिद्धांतों को कैसे याद रखते हैं। और सिद्धांत भी मैं ऐसा ले रहा हूं जो थोड़ा जनरली स्टूडेंट को टफ लगता है, और वो है कोलबर का सिद्धांत। नाम तो सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। अभी जो मैं आपको स्टडी कराऊंगा आपको याद हो जाएगा और कभी भी गलत नहीं कर सकते हो। बात समझ ना? ओके, हो गया ये? ठीक है, इसमें क्या लिख सकते थे? इसमें बालक अतार्किक चिंतन करता है। ठीक है, बालक क्या करता है? अतार्किक चिंतन। ठीक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता वो चीजें सोचता है। बोलो, बात समझ में आए? बोलो। ओके, इसमें जो देखता वो सोचता है और इसमें तो जो नहीं दिखता वो भी सोचता है। ठीक है, बात समझ में आए? बोलो आपको। ठीक है, अब मैं एक सिद्धांत पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, यहां मैंने आपको जीन पियाजे का सिद्धांत नहीं पढ़ाया है, केवल एक छोटा सा सेगमेंट अवस्थाएं बताई है। बोलो, बात समझ रहे ना? ओके, मतलब इसको ध्यान रखने से ये टिक करना आसान हो जाता है, क्यों? हमें आइडिया लग जाता है कि अगर आईपीएस ऑफिसर से पहली अवस्था तो उसका एज ग्रुप कम वाला होगा, और चार ऑप्शन होते हैं ना, अगर मुझे बताओ ये आएगा तो ऑप्शन तो यही होंगे ना, बोलो, तो हमारा टिक करना आसान हो जाता। भले हमें याद नहीं हो तो भी हमारा टिक हो जाता चार ऑप्शन में। आपको पूछा जाए इस एज ग्रुप वाली अवस्था कौन सी है जीन प्याजे की, आपको याद नहीं है लेकिन इससे आपका टिक हो जाएगा। बात समझ में आए? बोलो। ओके, हो गया नोट? बनाइए, एक सिद्धांत बता रहा हूं, हो गया कि नहीं हुआ? बोलो। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, समस्यात्मक चिंतन। ठीक है, ये वाली बात इनमें से कुछ भी पूछे, ऑप्शन बाल्यावस्था, शेषवा, किशोर हो तो शेषवा हो जाएगा, इस वाली बात को पूछे तो बाल्य हो जाएगा, इस वाली पूछे तो किशोर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ये अवस्था ही नहीं देख करके वो हो। बोलो, बात समझ में आए? बोलो। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं हटा दू? ठीक है, ओके, अब देखो आप 10-15 मिनट सोचना, मैं एक सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूं आपको, आपसे मेरे को पढ़ा होगा आपने। ठीक है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, मैंने कहा कोहलबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग, ठीक है, का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपसे मैं कह रहा हूं बहुत पॉपुलर भी है और बहुत ही व्यवहारिक है। बोलो, बात समझ में? ओके, तो आपसे मैं कहूं हम जब भी किसी सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हमें उस सिद्धांत के बारे में हर चीज पढ़नी पड़ती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और पढ़ने के साथ साथ याद भी करना पड़ता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो कोहलबर्ग है उनका पूरा नाम क्या है। बोलो, आपसे देखो, ऐसे भले हम कोहलबर्ग करते हो लेकिन जब किसी का पर्टिकुलर सिद्धांत पढ़ेंगे तो पूरा नाम पता होना चाहिए, लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या होता है? लॉरेंस। यूं भले हम फ्राइड फ्राइड करेंगे लेकिन जब फ्राइड का सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम सिगमंड फ्राइड बताएंगे। क्लियर? तो मैंने कहा पूरा नाम क्या होता है? लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, ओके, और जब सिद्धांत पढ़ते हैं तो वो कहाँ का रहने वाला वो भी पता होना चाहिए, अमेरिकन। आपसे मैं करूं मनोवैज्ञानिक, आपसे मैं को मनोवैज्ञानिक था। ठीक है, बोलो, बात समझ? कोहलबर्ग, दो बातें हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब कौन कहां का वो हमें कैसे पता चलेगा?
जब हम एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे तो पूरा नाम और देश ये तो मैं हमेशा आपको बताऊंगा। क्लियर। अब कोहलबर्ग ने आपसे मेरे को मॉरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल दिया है। क्या दिया? मॉरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। और इसने अपने सिद्धांत में तीन स्टेज बताई। कितनी स्टेज बताई? तीन। और हर स्टेज की दो सब स्टेज बताई। बात समझ में आए? बोलो। तो अगर सब स्टेज पूछे तो छह हो गई, स्टेज पूछे तो तीन हो गई। क्लियर। ओके, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है, तो आपसे मैं कहूं कितनी बताई? बोलो, तीन बताई है। क्लियर। अब वो तीन अवस्थाएं जो बताई है, आपसे मैं कहूं उनके नाम क्या है, तो मैंने कहा पूर्व, आपसे मैं कह रहा हूं परंपरागत, परंपरागत अवस्था। ठीक है, बोले तो प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या बोलते? बोलो प्री कन्वेंशनल। आपसे प्री मैंने कहा कन्वेंशनल स्टेज। क्लियर। ओके, और दूसरी बताई इन्होंने आपसे मैं कहूं परंपरागत, आपसे मैं कहूं अवस्था। ठीक है, और इसको बोलते कन्वेंशनल, कन्वेंशनल स्टेज। क्लियर। और एक बताई है इन्होंने पश्च, आपसे मैं करूं परंपरागत अवस्था। ठीक है, और इसको बोलते हैं आपसे मैं करूं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब देखो क्या होता है कि एक तो इनका एज ग्रुप पता होना चाहिए आपसे मेरे को, इसमें नाम इजीली पता रहते हैं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम आती है इनकी सब स्टेज में, कहां भूल कहां जाते हैं, एग्जाम में आ जाता है कि दंड और आज्ञा की पूर्व अवस्था, किस पूर्व अवस्था की उप अवस्था, तो प्रॉब्लम आती है। क्लियर, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आपसे मैंने कहा 4 to 10 ईयर। क्लियर, क्योंकि कोहलबर्ग कहता है शुरू में जब बच्चा होता है तो आपसे मेरे को नैतिकता अभाव रहता है, सामाजिकता का अभाव होता है, ये सब चीजें अर्जित होती है, जन्मजात कुछ भी नहीं होती। बोलो बात, जब बच्चा जन्मता है उसमें सामाजिकता का अभाव रहता है, नैतिकता का अभाव रहता है, इसलिए जो शुरुआत वाली एज में कहां चली गई, समझ में आया? बोलो आपको। ओके, फिर बताया 10 से लगाकर आपसे मेरे को 13 वाली कौन सी है, ये, और 13 के बाद वाली कौन सी है, ये है। क्लियर, तो आप समय को सबसे पहले तो हमें ये तीन पता होना चाहिए कि जो तीन स्टेज कौन सी है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। एज ग्रुप भी पता होना चाहिए आप समय को, थोड़ा सा आइडिया लगा है, ये 4 to 10, ये 10 to 3 or 1 to 4, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और ये 13 के बाद। बोलो बात समझ में? बोलो पहली कौन सी है, बोलो 4 to 10, और दूसरी कौन सी है 10 to 13, और फिर कौन सी है 13 के बाद। बोलो बात समझ में? ओके, तो ये तो नाम पता रहते हैं। अब प्रॉब्लम आती है इन हर एक की, कितनी बताई है, दो दो सब स्टेज। तो आपसे मेरे को टोटल, अगर आपसे मेरे को सब स्टेज की बात करूं तो कितनी होती है, 6 होती है, और यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को करती है। एग्जाम में भी वही आती है, कोई भी सब स्टेट दे देते हैं तो आपको पूछते हैं कि वो कौन सी अवस्था में आएगी, तो वो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। मतलब क्या कि जैसे कोई सिद्धांत पढ़ते हैं तो अगर ऐसी कोई चीज आ जाए जिसमें किसी ने 8 अवस्थाएं बताई, अरिक अरिक्सन में बताई, बोलो पढ़ेंगे हम, किसी ने 6 बताई है, तो वही से तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं आपको सपोज वो 6 के 6 नाम बता दूं तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं होगा, क्योंकि वो तो किताबों में ही लिखी होती है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम में भूल जाते हैं। अगर मैं आपको अभी एक लॉजिक बताऊंगा कि आप कैसे अवस्थाएं बिना याद किए एग्जाम में टिक कर सकते हैं, बात समझो ना, तो वो मैं तरीका बताऊंगा। क्लियर। उससे पहले कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में दो वर्ड यूज किए, एक आप यूज किया नैतिक द्विधा और एक नैतिक तर्कणा, दो तत्व। तो आपने इसके सिद्धांत में कितने बताए, 2 तत्व तो बताए। ठीक है, 2 तत्व तो क्या बताए, एक बताया नैतिक द्विधा, ठीक है, आपसे मैं कहूं द्विधा, ठीक है, एक बताया नैतिक तर्कणा, ठीक है, नैतिक तर्कणा, ठीक है, समझना। आपसे मेरे को इंग्लिश में बोलते हैं इसको मॉरल, आपसे मैं कहूं डिलीमा, ठीक है, क्या बोलते हैं,
मॉरल डिलीमा, क्लियर। और इसको बोलते हैं मॉरल रीजनिंग, ठीक है, मॉरल रीजनिंग, ठीक है। आपसे मेरे को रीजनिंग समझो, ओके, क्या होता है ये और ये, ठीक है। बोलो आपसे, कोलबर्ग कहता है, कोलबर्ग क्या करता था, बच्चों को कहानियां सुनाता था, छोटी छोटी, टोटल 11 कहानियां उसकी बहुत पॉपुलर, क्लियर। उसमें एक कहानी तो जबरदस्त पॉपुलर हुई, वो है हेंज की। किसकी बोलो, हेंज की, क्लियर। यूरोप का था, उसकी पत्नी हो गई बीमार, उसकी पत्नी हो गई बीमार, मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही वो क्या करता था, बच्चों को कहानियां सुनाता और फिर उनसे आंसर पूछता कि क्या सही और क्या गलत, क्लियर। तो ऐसे उसकी पॉपुलर कहानी है जो एग्जाम में आती है, और वो जो बच्चों के अंदर पूछता आंसर, तो वो बच्चे जो आंसर देते हैं उसी के आधार पर इसकी सब स्टेजेस को बनाया गया, क्लियर। तो आपसे मैं को इन दो वर्डों को समझा रहा हूं, मॉरल डिलीमा का मतलब क्या, कोलबर्ग कहता है कि जब भी कभी किसी भी पर्सन को किसी चीज दो के अंदर दुविधा होती है, आपसे कसमकस होती है, वो वाली अवस्था है मॉरल डिलीमा। और उसमें जो वो डिसीजन लेगा वो किसके आधार पर लेगा, मॉरल आपसे रीजनिंग के द्वारा लेगा। जैसे मैंने हिंज वाली कहानी सुनाता हूँ कि उसकी हिंज एक पर्सन था यूरोप का जिसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार हो गई, आपसे मैं को उसको कहीं से पता चला कि उसका ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जब एक महंगी दवाई है वो लाएंगे तो हो जाएगी। वो गया मेडिकल स्टोर के पास, उसको बड़ी मुश्किल से पता चला कि एक ही मेडिकल स्टोर है जहां पे वो दवाई मिल सकती। वो गया मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के पास, तो उसको पता चला कि वो दवाई तो बहुत बहुत ज्यादा महंगी है, क्लियर, तो आप उसके अप्रोच से बहुत दूर है। तो वो मेडिकल वाले को कहता है कि मुझे ये दवाई दे दो नहीं तो मेरी वाइफ मर जाएगी, बात समझ में। तो वो मेडिकल वाला कहता है आपको तो पैसे ही नहीं है, मैं नहीं दूंगा, पहले पैसों की व्यवस्था करो, क्लियर। वो जाता अपने परिजनों के पास, बहुत सारे लोगों के पास, कहीं से भी पैसों की व्यवस्था नहीं होती है, क्लियर। तो उसके माइंड में आता है कि अगर दवाई नहीं लेके गया तो वाइफ मर जाएगी, और आपसे मैं कह रहा हूं दवाई लेके गया तो ये दे नहीं रहा है, मुझे तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, चुरा के ले जानी पड़ेगी, क्लियर। और अगर मैं चुरा के लेके गया, तोड़ फोड़ किया, तो मुझे जेल हो जाएगी, बात समझ में। ये कसमकस जो चल रही है वो किसका कहलाएगा, मॉरल डिलीमा, क्लियर। अब वो क्या करेगा, आप सभी को नेचुरल है, वो तोड़ फोड़ कर लेता है, दवाई ले जाता है और वाइफ को बचाता है, बोलो बात समझ ना। अब इसने जो ये आंसर लिया है, डिसीजन लिया है, वो किस आधार पर लिया, नैतिक तर्कणा के आधार पर लिया, मतलब दो में से एक चूज करने की जो चयन होगा वो किसके आधार पर होगा, नैतिक तर्कणा पे। अब ये कहानी वो किसको सुना रहा था, बोलो बच्चों को, क्लियर। सपोज दैट उसने बच्चों को सुनाई, जो बच्चे थे 6, 7, 8, 9 साल के, बोले तो 10 साल तक के थे, बोले तो प्री कन्वेंशनल में थे, ठीक है। तो बच्चे क्या बोल रहे थे, उन्होंने बच्चों ने आंसर दिया कि नहीं उसको दवाई नहीं चुरानी चाहिए, बच्चे बोलो ना उसको जेल हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे दंड से बचना चाहते हैं, बोलो छोटे बच्चे किससे बचना चाहते हैं, दंड से बचना चाहते हैं, बोलो बात समझ। लेकिन यही कहानी जब उसने बड़ों को सुनाई तो बड़ों ने कहा बिल्कुल सही किया, बोलो बात समझ में आए कि बोलो बाकी सब बाद में देखा जाएगा, पहले जान बचानी जरूरी थी, बोलो बात समझ में। तो क्या कहना चाहता है कोलबर्ग, कोलबर्ग करना चाहता है कि अलग अलग अवस्थाओं में नैतिक विकास की अलग अलग सब अवस्थाएं होती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चे डिसीजन लेते हैं, बात समझ। तो आपको ये जो मैंने कुछ बताया समझ में आया, बोलो ओके। अब आपसे मैं करूं, पहला आप ये नोट करो, फिर मैं वो सब स्टेज कैसे याद करते हैं वो मैं आपको बताता हूं।
ये दो ही सिद्धांत के क्या है बोलो, ये दो ही सिद्धांत के क्या है, तत्व है। तीन क्या है, अवस्थाएं है, और छह क्या है, सब स्टेज है। इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये तो क्या लिखा मैंने, दो में से एक को चुनने की विचाराधीन अवस्था। अरे बोलो, समझे समझे बोलो। और ये क्या है बोलो, एक को चुनना। बोलो, बात समझ में आए बोलो। बात समझ में आई बोलो। अब मैंने आपसे कहा इतना तो एक्चुअली सबको याद हो जाता है, प्रॉब्लम का आती है सब स्टेजेज में, क्योंकि छह है बोलो, उनका ऑर्डर याद रखना पड़ता है। कोई भी एक स्टेज दे के पूछ लेते हैं कि इन तीनों में कहाँ आएगी, और उन एक एक अवस्थाओं को समझना है। क्लियर? तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझना, पहले एक बार ही नोट कर लिया बोलो। ये नोट किया ना आपने, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो सीधे सीधे हैं। बोलो, बात समझ में आई ना? क्लियर? एक बार मैं आपको छह स्टेज बता रहा हूँ, बात समझो ना। मैंने कहा ये तो पूर्व प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, हो गया नोट? बोलो, इसी को मैंने वापस ऐसे बताया है। ठीक है, हो गया ये नोट? बोलो, तीन अवस्थाएं, दो तत्व और छह सब सब स्टेज, उन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये दो वर्ड समझने के थे, आप समझ के बोलो कि जब भी दो के बीच कशमकश चल रही होगी वो वाली कौन सी है, और एक डिसीजन वाली ये है। बोलो, बात समझ में? इसमें क्या होता है कि आपसे मैं करूं, ये जो डिसीजन है वो आपसे मैं करूं, इन अवस्थाओं पर निर्भर करता है। अगर इस वाले में होगा तो अलग होगा, इस वाले में होगा तो अलग होगा। बात समझ में आए? ओके, आपसे मैं करूं, मेरी बात समझे नहीं समझे बोलो। अगर आपसे मैं कहूं सपोज दैट आप व्हीकल चला रहे हो, कोई व्हीकल चला रहा है बच्चा, और आपसे मैं करूं सपोज दैट
आपने रेड सिग्नल आ गया तो अगर वो आपसे मैं कह रहा हूँ रुक जाएगा क्लियर, और आपसे मैं कह रहा हूँ अगर सिग्नल के उधर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अगर जो इस अवस्था में होंगे वो तो सिग्नल जाए बाढ़ में उनको बचाने के लिए जाएंगे, बोलो बात समझ। और इन अवस्था में होगा तो वो रुक जाएगा कि नहीं मुझे बोलो आप लोन ऑर्डर नहीं तोड़ना है। अरे बोलो समझे समझे बोलो, मेन विवेक किस में डेवलप होता है, इस वाले में होता है क्लियर। इसी को बात को मैं सब स्टेजेस में बता रहा हूँ, क्लियर हो गया ये नोट, बोलो बात समझ ना। अब मैंने आपसे कहा सिक्स सब स्टेज, हर एक स्टेज में कितनी दो कितनी सब स्टेज है, दो सब स्टेज है क्लियर, उनको याद रखना पड़ता है। तो मैं क्या लॉजिक बता रहा हूं समझना ठीक है। आपसे मेरे को सपोर्टेड मैंने एक ये बना दिया, बोलो बात समझ में। हमें शिखर पे पहुंचना है, हमने नैतिक विकास के टॉप पर पहुंचना है तो बॉटम से ही चालू होना पड़ेगा क्लियर। 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। ये तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपसे मैंने कहा सब स्टेजेस फिक्स है, बोलो कौन सी किस में आती है, एवरीथिंग इज फिक्स क्लियर। एग्जाम में पूछा जाता आपको सब अवस्था देते वो किस अवस्था में आएगी क्लियर, या किस एज ग्रुप में आएगी वो आपको पूछा जाता है। तो मैंने आपसे कहा आपको पहले तो अवस्थाएं याद होनी चाहिए, समझना बाद की बात है, बोलो बात से। पहले तो क्या होना चाहिए, अवस्थाओं का क्रम याद होना चाहिए। मैं आपको पहले सब कुछ अवस्थाएं समझा दूं, पता चला एग्जाम में आ गया ये अवस्था कौन, तो आपको अवस्थाओं का क्रम ही याद नहीं है तो बोलो कितने भी समझा तो क्या काम है, क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आता है बोलो क्लियर। तो मैंने आपसे कहा अवस्थाओं का क्रम याद होना चाहिए। अब आपसे मेरे को कैसे याद रहेगी, मैं पहले छोटी सी बात आपसे डिस्कस करता हूँ। मुझे एक बात बताओ कि आपसे मैं कहूँ चलो यहाँ पर तो मेजोरिटी बॉयज की कम है, लेकिन आपने ये तो देखा होगा अगर कोई पर्सन कोई मेल कोई लड़का किसी लड़की को या महिला को शॉपिंग कराने ले जाता है, वो क्या कराने ले जाता है, शॉपिंग कराने ले जाता है, तो मुझे बताओ उनको लेनी एक चीज होती है उनको पसंद बहुत सारी आ जाती, ऐसा होता कि नहीं होता बोलो, होता है। आपसे मैं कहूं भले किसी के साथ नहीं हुआ सुना तो है, बोलो बात समझना है कि उनको तो एक से ज्यादा पसंद आ जाती है, ले जाने जाते एक जूते दिलाने 3 4 पसंद आ जाते हैं, और पसंद भी ऐसा आते हैं कि बोलो ऑर्डर कहते हैं मुझे तीनों लेने हैं, बोलो बात समझना है। और आपसे मेरे को लेने हैं तो उसके लिए कुछ वर्ड बोलते हैं, देखो ये कितनी प्रीटी है, बोलो बात ये कितनी गुड लुकिंग है, बोलो शूज के लिए साड़ी के लिए ड्रेस के लिए, बात समझ में। तो उसी बोलो व्यवहारिक बात को मैं ट्रिक में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, मैंने कहा ऑर्डर ठीक है, ऑल मैंने कहा सूझ, मतलब आप समझ के एक लड़का एक लड़की को जूते दिलाने ले जाता है और वो जूते जो लेने जाती है लड़की वो बहुत सारे जूते ले आती है क्लियर, क्योंकि उनकी हैबिट होती है। ऑल ऑर्डर ऑल सूझ, आपसे मेरे को गुड लुक और सुपर प्रीटी, आपसे मैं कह रहा हूं उनको लेना है तो उसके लिए क्या क्या बोलेगी, देखो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा ऑर्डर, ऑर्डर तो मतलब समझ के बोलो कि वो ऑर्डर करती है क्या, कि ऑल सूज गुड लुक सुपर प्रीटी, बात समझ में। ओके अब इसी में 6 अवस्थाएं मैं सब स्टेज निकालूंगा, कैसे, पहली होती है आपसे मैं कह रहा हूं पहली होती है आज्ञा तथा दंड, आपसे मैं कह रहा हूं की अवस्था ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर आपसे मैं करूं एंड अवॉइड अवॉइड पनिशमेंट ठीक है, अवॉइड पनिशमेंट क्लियर, आपसे मैं कहूं ऑर्डर एंड अवॉइड पनिशमेंट, आज्ञा और दंड की अवस्था। एक एक को समझाऊंगा मैं, पहले आपको अवस्थाओं का ऑर्डर बताना चाहता हूं। फिर है बोलो आपसे मेरे को सेल्फ इंटरेस्ट ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट वाली अवस्था, सेल्फ इंटरेस्ट अवस्था को ही आपसे मेरे को आत्म बोलो केंद्रित अवस्था बोलते हैं, इसी को ही अहंकार की अवस्था बोलते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं बोले तो स्टेज ऑफ ईगो, स्टेज ऑफ ईगो भी बोलते हैं, इसी को जैसा को तैसा टिट फॉर टेट अवस्था बोलते हैं, आपसे मैं कहूँ जैसे को तैसा, आपसे मैं कह रहा हूँ तैसा मतलब टिट फॉर, आपसे मैं कहूँ टेट क्लियर। एक एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं क्लियर। फिर मैंने कहा यहाँ पर आ जाते हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये वाली प्री कन्वेंशनल की है, बोलो बात समझ में। मैंने कहा शिखर पे पहुंचना है मतलब हमें प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल से
पोस्ट कन्वेंशनल पे जाना है, फिर मैं आपसे कहूँ गुड बॉय एटीट्यूड, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो गुड बॉय एटीट्यूड, ठीक है एटीट्यूड आपसे मैं करूँ, फिर तीसरी सब स्टेज किसकी होती, गुड बॉय एटीट्यूड, क्लियर, आपसे मैं को इसी को बोलते हैं प्रशंसा की अवस्था, क्या बोलते हैं प्रशंसा की अवस्था, क्लियर आपसे मैं कह रहा हूं। उसके बाद है लो एंड ऑर्डर मॉरलिटी, लो एंड ऑर्डर मॉरलिटी मतलब क्या होता है, सामाजिक व्यवस्थाओं के सम्मान की अवस्था, बोलो भाषा, सिग्नल नहीं तोड़ना तो नहीं तोड़ना, आपसे मैं कहूं सामाजिक, ठीक है मैंने कहा व्यवस्थाओं, आपसे मैं कह रहा हूं व्यवस्थाओं की सम्मान, आपसे मैं कह रहा हूं की अवस्था, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर मैंने कहा एस जो है वो आपका सोशल कॉन्टेक्ट वाली अवस्था, सोशल कॉन्टेक्ट स्टेज मतलब आप समझ गए, सामाजिक संपर्क वाली अवस्था, सामाजिक संपर्क, ठीक है। और आपसे मैं कहूँ संपर्क, बोलो सामाजिक, मैंने कहा संपर्क की अवस्था। और जो सबसे लास्ट वाली होगी वो तो प्रिंसिपल वाली स्टेज होगी, बोलो खुद का विवेक डेवलप हो जाएगा, वो खुद के प्रिंसिपल बना लेगा क्या सही है और क्या गलत है, बोलो बात समझ में, इसको बोलते प्रीति का मतलब क्या हो गया, बोलो आपसे मैं को प्रिंसिपल स्टेज, क्लियर, या इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक, आपसे मैं को सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था, नैतिक विकास आपसे मेरे को की अवस्था, या इसी को बोल दो विवेक अवस्था, या इसी को इंग्लिश में बोल दो यूनिवर्सल इथिकल आपसे मेरे को प्रिंसिपल स्टेज, क्लियर, ये मैंने आपका अवस्थाएं बताई। अब आपसे मैं करूं एक एक को समझो, नेचुरल है ये दोनों जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, बोलो आपसे मैंने कहा 4 to 10, बोलो बात समझ में, प्री कन्वेंशनल की सब स्टेज है, क्योंकि एक के अंदर कितनी बताई, 2 सब स्टेज, प्रॉब्लम यहीं पे आती है। तो मैंने आपको कहा, आपको मैंने कहा डेफिनेटली ये पहले और ये बाद में, जब बच्चे छोटे होते हैं आपसे मैं कह रहा हूं तो वो आपसे हर आज्ञा का पालन करते दंड से बचने के लिए, मैं क्या बता रहा हूं, हर आज्ञा का पालन करते दंड से बचने के लिए, मेरी बात समझ में, हर आज्ञा का पालन करते दंड से बचने के लिए, उसको पता है ये मैं नहीं करूंगा तो मम्मी मुझे डांट लगाएगी, ये नहीं करूंगा तो पापा मुझे डांट लगाएंगे, ये नहीं करूंगा तो मुझे टीचर डांट लगाएगी, बोलो बात समझ में, ओके। उसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट, आपसे मैं करूं, थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, क्लियर, तो आपसे मैं को आत्म केंद्रित बन जाता है, जैसे को तैसा करना चाहता है, इस बच्चे ने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं भी इसकी पेंसिल तोड़ूंगा, बोलो बात समझ में, ये वाली अवस्था कौन सी, बोलो ये वाली है, बोलो बात समझ में, या आपसे मैं को इसके अंदर आप बच्चे से कोई काम कराना चाहते हो तो बच्चा कहेगा पहले मुझे ये ला के दो फिर मैं काम करूंगा, मतलब आप समझ गए, आत्म केंद्रित अवस्था या अहंकार की अवस्था या जैसे को तैसा अवस्था, मैं क्या एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सारे एग्जाम में यही आते हैं, बोलो बस, एक बच्चा जो है वो आपसे मैं को बोलो बोलो दोस्त ने उसकी पेंसिल तोड़ दी तो वो उसकी पेंसिल तोड़ देता है, बताइए कोहलबर्ग के कौन सी सब स्टेज है, तो ये कौन सी होगी, बोलो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो आप टिक कर सकते हो, अहंकार की अवस्था हो, आत्म केंद्रित की हो, टिट फॉर टेट की हो, या सेल्फ इंटरेस्ट की हो, बोलो बात समझ में। एक मम्मी पापा अपने बच्चों को कहते हैं कि आप समय को तुझे ये करना, तो वो कहता पहले मुझे ये ला के दो तो मैं ये काम करूंगा, बोलो तो वो कौन सी होगी, बोलो सेल्फ इंटरेस्ट, बोलो बात समझ में, ये वाली समझ के, बोलो दो अवस्था है, पहले ये फिर ये दोनों किस में आती है, बोलो प्री कन्वेंशनल में आती है, क्लियर, ओके। फिर आ जाते हैं अपन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं किस में, बोलो मैंने कहा 10 से 13 अवस्था, खुद सोचो कि 10 से 13 वाली अवस्था के अंदर हर लड़का या लड़की जो है गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहते हैं, मतलब सबकी नजरों में प्रशंसा का पात्र बनना चाहते हैं, तो आपसे मैं कह रहा हूं वो कौन बोल रहा है जीन प्याजे, कि ये जो कन्वेंशनल स्टेज होती है उसकी 2 सब स्टेज होती है, एक होती है प्रशंसा की अवस्था गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, बोलो बात समझ में, इसमें बच्चा क्या करेगा, हर वो चीज काम करने की कोशिश करेगा जिससे उसको प्रशंसा मिले, गुड बॉय एटीट्यूड होगा गुड गर्ल एटीट्यूड होगा, और लॉ एंड ऑर्डर मॉरलिटी मतलब वो सामाजिक बोलो सम्मान की अवस्था,
मतलब अगर बच्चा 12-13 साल का है, बोलो 10 साल का, और व्हीकल से कहीं जाता है, रेड सिग्नल आएगा तो तुरंत रुक जाएगा, कि उसके माइंड में है कि मेरे पापा का भी सिग्नल तोड़ने से एक्सीडेंट हुआ था, मेरा नहीं हो जाए इसलिए मैं रुक जाता हूं। मतलब आप समझ के बोलो कि बोलो लॉ एंड ऑर्डर मॉरलिटी, बोलो बात समझ में। तो ये दोनों मैंने जो बताई वो कौन से में आती है, कन्वेंशनल में आती है। अब आ गया बच्चा किस में, बोलो स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल, बोलो बात समझ में। बोले तो आपसे मैं कह रहा हूं ये वाली जो मैं बता रहा हूं वो क्या हो गया, बोलो 13 के बाद, बोलो 13 के बाद मतलब बच्चा हो गया बड़ा, बात समझ में। बड़ा हो गया तो वो सबसे पहले तो क्या करेगा, सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ाएगा, बोलो बात समझ में, सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ाएगा। आप सोचो बच्चा जैसे ही आपसे थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपना सर्कल बढ़ाता, सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ाता है। आप देखोगे तो यहाँ तक तो सोशल कॉन्टेक्ट कम रहता है, जैसे ही 13, 14, 15, 16, 20 की उम्र आती है तो सबके सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ जाते हैं। बोलो कॉलेज में जाएगा तो भी सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ाएगा, बड़ी स्कूल में जाएगा तो उसी सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ाएगा, बोलो बात समझ में। ओके, सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ाएगा मतलब आप समझ जाओ सब चीजें आ जाती है उसमें, क्लियर। अब आपसे मैं कह रहा हूं उसके बाद है प्रिंसिपल स्टेज, कि उसके बाद तो वो क्या करेगा, अपना विवेक से ही काम करेगा, बोलो बात समझ में। अब किसी के कहने से काम नहीं करेगा, खुद का विवेक लगाएगा। जैसे मैंने कहा भगत सिंह है, उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को आजाद कराने के लिए मैं अपने घर परिवार को छोड़ दूंगा। तो मुझे बताओ ये जो है अवस्था कौन सी है, बोलो पोस्ट कन्वेंशनल ही है, क्योंकि ऐसे डिसीजन तो पोस्ट कन्वेंशनल में ही लिए जा सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको वही कहानी बोल करके मैं बोलूं कि अगर बच्चों ने जवाब दिया, अगर बोलो पर्सन ने जवाब दिया कि नहीं उसने सही काम किया था, बोलो वाइफ की जान बचाना जरूरी थी, तो वो बच्चे कौन सी स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, बोलो पोस्ट कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं। इसका मतलब किसमें, वो प्रिंसिपल स्टेज में है। भले ही सिग्नल है आपसे मैं करूं, अगर उधर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो सिग्नल तोड़ के भी जाके बचाओगे, तो वो वाली कौन सी स्टेज होगी, बोलो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, क्लियर। बोलो समझ में आए, बोलो। एग्जाम में आपको आता है, कहानी बोल देते हैं कि एक कर्नल है, आपसे मैं कह रहा हूं, जो ये जान के इनकम टैक्स नहीं भरता है कि इस भ्रष्ट गवर्नमेंट को मैं क्यों पैसे दूं, क्योंकि ये मेरे पैसों से बोलो आपसे मैं को अय्याशी करते हैं। तो बताओ उस कर्नल की कौन सी नीति विकास की अवस्था है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। आप मेरी बात समझ के बोलो कि कोई भी एग्जांपल दे जिसमें आपको मैच्योरिटी झलकती हो तो वो कौन सी होगी, बोलो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। आई थिंक समझ में आया। और एग्जाम में आपको पूछा जाए कि इनमें से कोई भी देकर के कौन सी सब स्टेज किसमें आएगी, ध्यान रहेगा। तो अब क्या हुआ, मैंने आपको एक सिद्धांत बताया, तो जहां से प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट को, वहीं पर मैंने आपको लॉजिक बता दिया, बोलो बात समझ में। मैंने कहा तीन अवस्थाओं के नाम सबको याद रहते हैं, बोलो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो सब स्टेज है उनका ऑर्डर भूल जाते हैं, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थोड़ा ध्यान रहेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि बोलो ऑर्डर लो ऑल्सो गुड लुक सुपर प्रिटी। इससे क्या होता है, आपको ये कम याद है लेकिन एग्जाम में आपका ट्रिक से राइट हो जाता है, बोलो बात समझ में। आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। मैंने एक सिद्धांत के द्वारा आपको ये बताने की कोशिश की है कि हम हर सिद्धांत को कैसे स्टडी करेंगे, सिद्धांत वही होंगे बस मेरे तरीके अलग होंगे, बात समझ कि कैसे याद कर सकते हैं।